हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। अगर नज़र कमज़ोर है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आँखों में होती है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स का किसी व्यक्ति को ना दिखाई देना। अगर ये समस्या किसी को होती है तो इसे कैसे हम जांचेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमें या आपको वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। बेसिकली कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर आंखों की जांच की जाती है और उसमें ये भी चेक किया जाता है कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको सिंपली आप आज इस वीडियो में अपनी आंखों को भी चेक कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। हम एक चार्ट के माध्यम से इस कलर ब्लाइंडनेस को चेक करेंगे, जो कुछ इस तरीके का है, जो हर जगह जहाँ पर भी आप अपनी आंखों को टेस्ट कराने जाएंगे वहाँ इस तरीके का एक चार्ट मिलेगा। तो इस चार्ट के माध्यम से आपकी कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट किया जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में चेक करते हैं कि आपकी आंखें ठीक हैं या नहीं। आपको मैं एक एक स्लाइड करके दिखाऊंगा जिसमें एक एक पिक्चर रहेगी इसकी, और उसमें आपको क्या नंबर दिखाई दे रहा है वो आपको पढ़ना है। आपके देखने के कुछ सेकंड बाद ही मैं उसमें उसका एग्जैक्ट नंबर भी फ्लैश करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने करेक्ट नंबर वहाँ से देखा है या नहीं। अगर आपने करेक्ट नंबर देखे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आपको उन नंबर्स में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आँखें प्रॉपर तरीके से किसी हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट डॉक्टर से चेक करवानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जाँचते हैं। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। पहली पिक्चर आपके सामने है और इसको आप ध्यान से देखिए कि आपको इसमें क्या नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें आपको दो नंबर दिखते होंगे, या तो 24 या फिर 74। अगर आपने 74 देखा है तो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट पिक्चर है वो आपके सामने है, उसको देखिए ध्यान से क्या नंबर है इसमें। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दैट मीन्स की प्रॉब्लम है, और आपको इसमें नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 12 नंबर है दैट मीन्स आप करेक्ट हैं। नेक्स्ट पिक्चर, इसमें अगर आपको कोई पिक्चर दिख रही है दैट्स ओके, अगर इसमें आपको कोई पिक्चर नहीं दिख रही है दैट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम है। नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 16 नंबर दिखाई देगा। नेक्स्ट पिक्चर, इसमें आपको हो सकता है दो नंबर दिखाई दें या मोस्ट प्रोबेबली किसी किसी को इसमें सिर्फ एक ही अक्षर दिखाई देगा। अगर इसमें कोई एक अक्षर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ये सही नहीं है। अगर आपने इसमें दो अक्षर देखे हैं यानी 42 तो ये सही है। इस पिक्चर से आपको ये भी समझना है कि जहाँ पर आपने ये 42 देखा है तो 42 के संदर्भ में जहाँ ये डार्क कलर से 2 लिखा है, कुछ लोगों को जिनको कि कलर ब्लाइंडनेस रहती है तो उनको ये 2 भी दिखाई नहीं देगा, बल्कि इनको ये जो बैकग्राउंड में जो कलर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है इस जैसा ये कलर दिखाई देगा, इसलिए वो इस कलर को पढ़ ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स वहाँ से ये पता चल जाएगा कि यस, इस व्यक्ति को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, यानी उसको सिर्फ 4 नंबर दिखाई देगा। समवेयर अगर सिमिलरली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि अगर येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है तब भी उनकी यही पोजीशन होगी कि उनको ये 4 वाला जो अक्षर बहुत लाइट है वो नहीं दिखाई देगा और उसको सिर्फ 2 नंबर ही दिखाई देगा। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं आसानी से कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, होप सो। आप उसको इमेज करिए कि क्या दिख रहा है। अगर आपने इसमें 6 देखा है दैट मीन्स इट्स फाइन। अगर आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आपको ज़रूरत है कि आपको अपनी आँखों का टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि इसमें अक्षर हैं और वो भी 2 हैं। और अगर आपने इसमें 73 देखा है दैट मीन्स कि आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर भी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत लाइट शेड में कलर्स हैं, और जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस रहती है उनको ये जो लाइट कलर में जो अक्षर हैं यहाँ पर वो बिल्कुल जो बैकग्राउंड में कलर है उनसे बिल्कुल मैच करते हुए दिखाई देंगे और वो इनको नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया है और अगर ये 97 दिख रहा है आपको दैट मीन्स कि आपकी आँखें ठीक हैं, अदरवाइज़ आपको अपनी आँखों को टेस्ट ज़रूर कराना है। नेक्स्ट पिक्चर, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हैं, इसमें आप नंबर पढ़ सकते हैं
दैट मींस कि आपकी आंखें ठीक हैं। अगर आपने इसमें कोई भी नंबर डिटेक्ट नहीं किया कि यहाँ पर कुछ भी लिखा है, दैट मींस कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। यहाँ पर जो अक्षर है इस पिक्चर में वो है दो, यानी टू। व्यूअर्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो अभी तक तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेट है, वो ये कि अगर आप आंखें चेक कराते हैं तो आपकी आंखों के अकॉर्डिंग, यानी किस कलर की ब्लाइंडनेस आपको है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई एक कलर का चश्मा जो भी डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करेंगे आपको वो पहनना है, या फिर उसी कलर का आपको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना है। कलर का मतलब जिस कलर की ब्लाइंडनेस है उसके सापेक्ष कौन सा कलर ऐसा होना चाहिए जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपको वो कलर एग्जैक्ट जैसा सबको दिखता है वैसा आपको दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपको किसी को भी, आपके फैमिली में या आपके दोस्त में किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी आंखें प्रॉपरली चेक करवाए, और अगर उसको ये ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट लेंस या फिर चश्मा जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको लेना है, जिससे आप अपनी इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको इस संबंध में, जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके संबंध में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए आंखों से संबंधित कुछ और चीज़ें भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।